ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗದಾನ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು। ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗದಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ವೈಮಾನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಜಿಒ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮಾನಸುಖ್ ಮಾಂಡವೀಯ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು। ಬಳಿಕ ಈ ದಿನ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ। ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು। ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕೊರೋನಾ 19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು। ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। हम व्यक्ति चाहे कि मुझे हजारों साल तक या तो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहना है, नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, उसकी सुवास रहती है, कई बार उसका नाम रहता है, कई बार, बट ये स्वयं व्यक्ति दुनिया को नहीं देखते हैं, नहीं समझ सकते हैं, या तो दुनिया को भली भांति अनुभव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा अवसर है, आप सोच सकते हो। व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अपनी आंख से देखना चाहते हैं, आपकी आंख का डोनेशन दे दो, आपकी आई को डोनेट कर दो, आप नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आंख से जिसको आपने डोनेट किया है वो व्यक्ति दुनिया को देखते रहेंगे। दोस्तों, इससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। आप दूसरे के हृदय में जाके दबकते रहेंगे, आप कभी नहीं दबकेंगे, लेकिन आपने आपका हार्ट का डोनेशन कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप दबकते रहेंगे। आप केवल दबकेंगे नहीं, उसको जिंदा रखेंगे। आप केवल उसको जिंदा रख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि व्यक्ति के परिवार को आप बहुत बड़ी सौगात दे रहे हो। दोस्तों, उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। और इसलिए आने वाले दिनों में हमें हमारा परोपकार भाव को उजागर करने के लिए प्रयास करना है।